हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पांच ऐसे स्टॉक के ऊपर जहां पे कि एक अच्छा ब्रेकआउट आया है और शॉर्ट टर्म में हम लोगों को इन सभी स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल सकता है। तो कौन कौन सा ये स्टॉक है, किस लेवल पर तेजी आने वाला है, इन सभी पॉइंट्स के ऊपर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, एनालिसिस अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग स्टॉक के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला स्टॉक है GSFC। GSFC के स्टॉक में हम लोगों को एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी इस स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला था, बट उसके बाद ज़्यादा बड़ा मोमेंटम हुआ नहीं। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट है। स्टॉक में एक अच्छा तेजी, ब्रेकआउट के बाद एक इनसाइड कैंडल और अब वापस से इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट। तो इस स्टॉक में ऊपर की साइड में हम लोगों को 250 की तरफ एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक को हम लोग यहाँ पे बाई कर सकते हैं 210 के SL के साथ, 210 के स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक को बाई करेंगे। ऊपर की साइड में जो है हम लोगों का पहला टारगेट आपका हो जाएगा 240 का, और इसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर हम लोगों को यहाँ पे जो है 260 तक का एक अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है। लगातार अगर देखेंगे तो जितने भी केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स के स्टॉक हैं उन सभी स्टॉक्स में एक अच्छा तेजी आ रहा है। तो GSFC में भी हम लोगों को एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे, नेक्स्ट स्टॉक है टाटा मोटर्स। अगेन टाटा मोटर्स भी अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। कंटिन्यूसली अगर इस स्टॉक में देखेंगे तो स्टॉक जो है लगातार आपको अपसाइड पे ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक ने बहुत ही अच्छा पैसा बना के दिया है रिसेंट टाइम में। अगर यहाँ पे देखेंगे ब्रेकआउट, वापस से यहाँ पे ब्रेकआउट, अभी यहाँ पे वापस से ब्रेकआउट है, और ये एक ब्लैक एंड होल पैटर्न का ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिल रहा है। चलिए यहाँ पे अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो स्टॉक में जो है 675 के लेवल से एक अच्छा मोमेंटम हुआ 717 तक, फिर स्टॉक जो है यहाँ पे आपको कंसोलिडेट किया है और अब जाके स्टॉक में यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो इस स्टॉक को जो है हम लोग यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हैं। नीचे की साइड में हम लोग SL को प्लेस करेंगे 700 के नीचे डेली क्लोजिंग बेसिस पे। तो यहाँ पे रिस्क जो है वो आपको 22-23 पॉइंट का रिस्क है। ऊपर की साइड में आपका पहला टारगेट हो जाएगा 750 का, इसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर 775 का दूसरा टारगेट। थर्ड स्टॉक की बात करेंगे, थर्ड स्टॉक है ITC। एक बहुत ही अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया 500 का, उसके बाद स्टॉक में करेक्शन स्टार्ट हो गया। करेक्शन अगर यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक ज़्यादा करेक्ट हुआ नहीं। स्टॉक ने एक अच्छा बेस बनाया 425 के लेवल पे, 425 टू 450 के लेवल पे स्टॉक ने एक बेस बनाया, एक रेंज बनाया, और अब जाके ये रेंज का ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिल चुका है। यहाँ पे रेंज जो है ब्रेकआउट कंफर्मेशन हो चुका है। अगर यहाँ पे क्लियरली अगर देखेंगे तो स्टॉक जो है वो आपको 4 मंथ के हाई के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर चुका है। एक अच्छा ब्रेकआउट हम लोगों को इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। तो इस स्टॉक को भी हम लोग करंट प्राइस पे बाय कर सकते हैं। एक अच्छा चार्ट सेटअप हम लोगों को देखने को मिल रहा है। करंट मार्केट प्राइस पे इस स्टॉक को हम लोग बाई कर सकते हैं। यहाँ पे डाउनसाइड में हम लोगों का SL रहेगा 450 का, तो तकरीबन 14 पॉइंट का स्टॉप लॉस होने वाला है। पहला टारगेट यहाँ पे हम लोगों का होने वाला है 475 का। यहाँ पे जो है 475-480 का जो है ये जो जोन है ये पहला टारगेट होगा, और एक बार इस लेवल के ऊपर निकलता है तो फिर 500 के लेवल तक स्टॉक जा सकता है। उसके बाद फर्दर जब 500 के लेवल के ऊपर ब्रेकआउट हुआ तो फिर 550 के लेवल तक ये रैली एक्सटेंड कर सकता है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे तो नेक्स्ट स्टॉक है फैक्ट।
अगेन केमिकल एंड फर्टिलाइजर स्टॉक का ये सेक्टर का ये स्टॉक है, और लगातार स्टॉक में एक शानदार तेजी देखने को मिला है। लास्ट 1 ईयर में स्टॉक ने 300% से ज़्यादा का प्रॉफिट दिया है। 200 के लेवल के ऊपर स्टॉक ने यहाँ पे दिसंबर मंथ में ब्रेकआउट दिया था 2022 में, और उसके बाद से यहाँ पे स्टॉक ने एक बहुत ही ज़बरदस्त रैली दिया है। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। आज के सेशन में भी इस स्टॉक में अपर सर्किट लगा हुआ था। स्टॉक में एक बहुत ही अच्छा फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखेंगे 500 के लेवल से स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम हुआ। स्टॉक जो है उसके बाद 800 के लेवल तक लेवल पे स्टॉक रेसिस्टेंस ले रहा था। एक इस लेवल से स्टॉक जो है कंटिन्यूसली एक हायर लो का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, और अब ब्रेकआउट हो चुका है। तो इस स्टॉक को भी हम लोग करंट मार्केट प्राइस पे बाई कर सकते हैं। 700 के नीचे का जो है डेली क्लोजिंग बेसिस पे एसएल रहेगा। ऊपर की साइड 900 और 9 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर 1000 के लेवल की तरफ एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लास्ट स्टॉक की बात करेंगे तो लास्ट स्टॉक है इंफोसिस। इंफोसिस के शेयर में एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में जो है वापस से नीचे के लेवल से रिकवरी देखने को मिल रहा है। टीसीएस में एक अच्छा गेन देखने को मिला। यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो स्टॉक जो है आपको इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके क्लोज दे दिया है। इसके साथ ही ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने से पहले इस स्टॉक ने भी एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न का फॉर्मेशन, यहाँ पे अगर देखेंगे स्टॉक ने एक बनाया फ्लैग एंड पोल पैटर्न, और इसका जो हो चुका है ब्रेकआउट। तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट साथ ही साथ एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट डेली चार्ट पे स्टॉक में एक शानदार तेजी ऊपर की साइड देखने को मिल सकता है। स्टॉक को भी हम लोग करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हैं। एक ही साइड में हम लोग अपने एसएल को प्लेस करेंगे 1442 के नीचे डेली क्लोजिंग बेसिस पे। तकरीबन 33-34 पॉइंट का जो है यहाँ पे हम लोग का एसएल होने वाला है। यहाँ पे ऊपर की साइड में जो पहला टारगेट होगा वो होगा आपका 1516-1520 का लेवल, और इसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर यहाँ पे हम लोगों को 1560-1575 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। आई होप आप लोगों को सही पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।